भारतीय टीम के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि वो रोहित की कप्तानी के प्रशंसक हैं, तभी से हैं जब उन्होंने पहली बार में आईपीएल में मुंबई इंडियन की कप्तानी सौंपी गई थी और उनकी कप्तानी में मुंबई ने खिताब जीता था। गावस्कर ने अभी कहा कि रोहित ने पहली बार मुंबई की कप्तानी करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई थी और अपनी अच्छी रणनीति और सूझबूझ का परिचय दिया था। बता दें कि अपने पहले ही सीजन में उन्होंने अपनी कप्तानी से काफ़ी प्रभावित किया था। गावस्कर ने कहा कि उन्हें जब भी भारतीय टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया है। गावस्कर ने अभी कहा है कि कप्तानी की जिम्मेदारी ने उन्हें और बेहतर बनाया है। रोहित ने इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए वर्ष 2017 में कप्तानी की थी। वनडे में उन्होंने 2-1 जबकि T20 सीरीज में उन्होंने 3-0 से जीत हासिल की थी। गावस्कर ने वनडे टीम में वापसी करने वाले रविंद्र जडेजा को भी की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनकी टीम में जगह बनाते हैं क्योंकि वो बेहतरीन गेंदबाज, बल्लेबाज और फील्डर हैं। गावस्कर ने टीम इंडिया को लेकर एक सकारात्मक संदेश भी दिया है और कहा है कि आपकी मेहनत ही रंग लाती है और उससे कभी समझौता नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से वरुण की रिपोर्ट।